आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादीशुदा को अगर किसी से प्यार हो जाए तो क्या करें। टीना नाम की एक लड़की थी जो गांव में रहती थी। बहुत छोटी उम्र की थी तभी उसकी शादी उमेश के साथ हो गई। उमेश शहर में जॉब करता था। बहुत ही कम उसका टीना के पास आना जाना हुआ करता था। अक्सर वह उमेश से कहा करती थी कि तुम जॉब छोड़कर गांव में आ जाओ, लेकिन उमेश ना तो उसकी बात सुनता था और ना ही शहर छोड़कर गांव वापस आने के लिए खुद से तैयार था। टीना को बहुत अकेलापन सताता था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसे एक लड़का हुआ। अब वह कुछ समय तो लड़के के साथ गुजार लेती थी, लेकिन कभी कभी उमेश की कमी खलती थी। उसे अकेलापन हमेशा महसूस होता था। उसी गांव में एक डॉक्टर आया जो लगभग उसी के उम्र का था। उस डॉक्टर का नाम सोहन था। एक दिन वहां जाकर टीना उससे बात करने लगी। उसे उससे बातचीत करके काफी अच्छा लगा और धीरे धीरे उनकी बातें आगे बढ़ने लगी। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। चार अक्षर का नाम बतलाए, पर्याय एक गोत्र कहलाए, औषधि के है काम आए, भैया अब तो दो बतलाए। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टीना को ऐसे महसूस होने लगा कि कोई तो ऐसा है जो उसकी बात को सुनता है, समझता है, उसकी परवाह करता है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है। टीना को धीरे धीरे सोहन से प्यार होने लगा, लेकिन वह समाज के डर से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। सोहन भी टीना को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन सोहन ने टीना से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब टीना ने कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताना काफी अच्छा लगता है। तब टीना ने सोहन से कहा कि ना तो हम कभी शादी कर पाएंगे और ना ही समाज के सामने कभी हम आपस में मिल पाएंगे। अब वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। एक दिन उमेश को उन दोनों के बारे में पता चल गया और वह बहुत ही गुस्से में आया। उसने टीना को मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। तब टीना मन में सोचने लगी कि मैं सोहन के साथ भाग जाती हूँ। तब उसे अपने बच्चे का ख्याल आया और उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपने बच्चे के बिना भी नहीं रह सकती। इसलिए उसने सोहन को कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। सोहन भी टीना को जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टीना को जाने दिया। टीना, उमेश और उसका बच्चा फिर से इकट्ठे रहने लगे, क्योंकि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। उसने दोबारा गलती ना करने का वादा किया, इस वजह से उमेश ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी से 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली बात यह समझ में आती है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपको अगर किसी से प्यार हो जाता है, तो सबसे पहले अपने पार्टनर से बातचीत करनी चाहिए। उसे आपको कहना चाहिए कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, और आपको अपने पार्टनर के साथ डिवोर्स लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। और साथ ही खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा, और अगर आप अपने पार्टनर से अलग होते हो तो आपके बच्चे का क्या होगा, या फिर आप अपने जीवन में क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। इसके बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना और समझना, तभी कोई निर्णय लेना है, क्योंकि तब वह भी आपके ना रहने पे किसी और के साथ शादी कर सकता है और आप अपने जीवन में तीसरे व्यक्ति को एंट्री दे सकते हो और आप भी आगे बढ़ सकते हो। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो, इसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है, तो यह सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप पति हैं या पत्नी, अगर आप अपने शादीशुदा जीवन में खुशहाल हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, अपने पति या पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं या रह रही हैं, इसके बावजूद भी अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में लेकर आते हो, तो यह आपके पति के साथ आपका धोखा होगा, आपके पति के पीठ पीछे छुरा घोंपना होगा। इसलिए कभी भी यह गलती नहीं करना है। कोई भी बातचीत हो या कोई भी गलती हो, उसे बैठ के समझना है, बातचीत करना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। जब आप एक शादीशुदा जीवन में होते हैं ना, तब आपको बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होता है। पति पत्नी को मनाने की कोशिश करनी होती है, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति को लाके अपना जीवन बर्बाद कर देना है, अपनी गृहस्थी को अपने ही हाथों नष्ट कर देना है। क्योंकि जब आपकी बनी बनाई गृहस्थी खराब हो जाती है, जब आप अपने पार्टनर से दूर होने लगते हैं, तो सबसे पहले मन की दूरी आती है, उसके बाद तन की दूरी आती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई गलती हो भी गई है, तो काउंसलर की मदद लें, क्योंकि काउंसलर आपकी भावनाओं को समझाने में आपकी मदद कर सकता है। वह आपको बताता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
अगर आप इस रास्ते पे जाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा और आप इस रास्ते के विपरीत जाओगे तो आपको क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं तो आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसमें कैसे रहना चाहते हैं, इसमें आपकी वो मदद कर पाएगा। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना सबसे पहले जरूरी है। आपकी भावनाओं से ही आपके विचार बनते हैं और आपके विचार जैसे होते हैं वैसे ही आपके एक्शन होते हैं और जैसा आपका एक्शन होता है वैसा आपका रिजल्ट होता है और जो रिजल्ट होता है वैसा ही आपका जीवन होता है। तो आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहाँ एक व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है और अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लेता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना है। आप चाहें तो काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं या आप चाहें तो अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या उनसे शेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि वो भी आपको कुछ अच्छा सजेशन दे दें। बहुत ही ध्यान से सोचना है, समझना है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ बातें समझाने में सफल रही होंगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो से और इस पूरी कहानी से जो भी बातें समझ में आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही अगर पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी चैलेंज या कोई भी इशू है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। दोस्तों, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति की मदद जरूर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं और उसका समाधान भी चाहते हैं तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, वन टू वन कॉल पर बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं तो भी आप इसी दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।